नमस्कार, मैं हूं मानविंदर आवाज, स्वागत करता हूं। मित्रों, न्यायप्रिय ग्रह, तपस्या कराने वाले ग्रह, खनिज लोहा के कारक, पृथ्वी के भूगर्भ से संबंधित चीज़ों के कारक, सब्जियों के कारक, लघु उद्योग के कारक, पेट्रोल गैस इंडस्ट्रीज़ के कारक, उद्योग के कारक, कारखाने के कारक, आलस के कारक, चोरी के कारक, ठगी के कारक, अकस्मात धन लाभ भी देते हैं शनि महाराज, परंतु जुए सट्टे से, शराब से, मतलब दो नंबर के काम से, ऐसी तमाम चीज़ों के कारक शनि महाराज कैसा फल देंगे आपको और हमें, किस रूप में हमारे और आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं कर्क राशि के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका जो मूल रूप से उद्देश्य है वो ये कि सबके लिए अलग अलग बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबके लिए मैं ये चाहता हूँ कि हर राशि को अलग तरीके से कवरअप किया जाए, ताकि आप इंडिविजुअली अपने बारे में सुने, अंत तक सुने। क्योंकि जो मैं बातें करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं कि फालतू की बातें ज़्यादा करते हो, मैं कमेंट में कई बार देखता हूँ। अब फालतू की बात करने का तो इतना मेरे पास भी समय नहीं है। अब एक एक चीज़ की महत्वता है, इन बातों को सुन सुन करके लगभग आधे जोशी तो आप भी बन जाओगे, आपको भी समझ में आ जाएगा कि शनि महाराज हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्यों को प्रभावित करते हैं। आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो शनि महाराज हैं वो सूर्य पुत्र हैं। आपको पता चल जाएगा कि शनि का एक नाम असित भी है, शनि महाराज का एक नाम मंद भी है, इनको अर्क पुत्र भी कहा जाता है। जैसे कहते नहीं मंद बुद्धि, ऐसे इनका मंद भी एक नाम है। क्योंकि बढ़िया करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे तो फिर बुरा करेंगे। दिमाग आउट हो गया तो बिल्कुल हो गया, अगर सही चल रहा है ट्रैक पर तो बहुत बढ़िया चल रहा है। इनका एक नाम सैरी भी है। अब ये सब चीज़ें नहीं पता होती जनरली, कुछ लोगों को नहीं आती ये चीज़ें सुनना पसंद। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आज आपसे जो कर्क राशि की बात करूँगा उसमें आपको यही बताऊँगा कि क्या प्रभाव होगा। मकर राशि में इस समय वर्तमान में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, और मकर राशि इनकी स्वयं की राशि है। इसके पश्चात मकर को छोड़ देंगे नेक्स्ट ईयर और कुंभ में चले जाएंगे। 20 डिग्री तक इनका उच्च का और नीच का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे तुला राशि में 20 डिग्री तक उच्च के होते हैं और मेष राशि में 20 डिग्री तक नीच के होते हैं। 6, 8 और 12वें स्थान जो जन्म पत्रिका के होते हैं, इन भावों में अगर शनि बैठा हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे पाता। वैसे तो 6, 8, 12 का इनको कारक भी कहा जाता है, परंतु जो फल होता है उसमें कमी तो आती है, क्योंकि लंबी बीमारी के कारक हैं और ये तीनों स्थान बीमारी के होते हैं। शनि की जो मित्रता है वो शुक्र के साथ है, बुध के साथ में है, ये तो इनके अत्यंत प्रिय मित्र हैं। अब विषय आता है कि जब ये 23 तारीख को वक्री होंगे और 11 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे तो इनकी स्थिति क्या रहेगी। तो समझने वाली बात यह है कि कर्क लगन के स्वामी जो चंद्रमा हैं उनके साथ में शनि की शत्रुता है। अब शनि की शत्रुता जब चंद्रमा के साथ में है तो इसीलिए इस लगन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा फल शनि महाराज नहीं देते, क्योंकि एक इनके पास रोग की जिम्मेदारी हो जाती है और वर्तमान में अपनी राशि से ये 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो कर्क के दर्शकों के लिए जो सावधानी है वो है विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर के। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि शनि वक्री भी इसमें अच्छे नहीं है, वक्री भी हो रहे हैं, उल्टे भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की तरफ ही चल रहे हैं। और इधर भी अष्टम भाव में कुंभ राशि है और बैठे हैं पत्नी के घर में, तो ये जो दाम्पत्य जीवन है इसको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। और इसके अलावा मतलब पूरा का पूरा जो आपका ये टाइम फ्रेम रहेगा 4-5 महीनों का, इसमें कुछ ना कुछ आपको आर्थिक रूप से परेशानियाँ आती रहेंगी। कोई शारीरिक जो कष्ट है वो यहाँ देखने को मिलेगा, और विशेष रूप से कोई गुप्त चिंताएं, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी, कोई बात हो तो उसको घर वालों के साथ शेयर ज़रूर करें, उसको मन में ना रखें, क्योंकि गुप्त चिंताएं बढ़ने का एक योग है।
और जो व्यवसायी कुलजने होती हैं वो भी यहाँ पर बढ़ेंगी, इस प्रकार की ग्रह गति भी दिखाई देती है। मन में क्रोध आना, इस प्रकार का एक योग बनता है। उचाट आना, एक इरिटेशन होना, और मतलब एक तरीके से ऐसा एक योग बनेगा। अब बात आती है फिर अच्छा क्या है, तो अच्छा ये है कि ये शश नाम का महापुरुष राजयोग बना के अपनी मकर में बैठे हैं। तो इतनी सब तमाम बातें होने के बाद और साथ में शनि का जो कर्क राशि के ऊपर पाया है वो तांबे का है, तो जो तांबे का पाद शनि का रहेगा कर्क में, इसके फल स्वरूप आपको यहाँ पर आय के योग्य साधन और आय का यहाँ पर बढ़ना, इस प्रकार का गोचरीय प्रभाव चलता रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, दिनांक 2 जून से लेकर के और 19 जुलाई यह जो समय रहेगा, इसमें बिल्कुल आमने सामने रहेंगे मंगल और शनि, क्योंकि मंगल नीच का होगा। मंगल के नीच होने के कारण यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके लिए डिस्टर्बेंस वाली बनेंगी। अब वो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ये समझिए, मंगल अग्निकारक ग्रह है, मंगल कराए दंगल, और मंगल शनि को सम मित्र मानता है पर शनि मंगल को अपना शत्रु मानता है। अब इधर शनि की भी पावर बढ़ेगी 3 गुना, क्योंकि वक्री हो जाएंगे 23 तारीख से, और इधर मंगल नीच हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। लगन में कर्क राशि में आपका मंगल और ठीक वहाँ से सप्तम शनि, तो यहाँ ये जो टाइम फ्रेम बताया मैंने 19 जुलाई तक का, इसमें दाम्पत्य जीवन, मान सम्मान और साथ में प्रेम संबंध, कार्यों में रुकावटें आना, किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा होना, इस प्रकार की जो ग्रह गति है वो बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए आप इस समय का ध्यान रखें, पर ओवरऑल जो ये समय रहेगा इसमें निर्वाह योग्य आय के साधन आपके बनते रहेंगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ इसके अलावा एक चीज़ और है जो आपसे चर्चा करनी चाहिए हमें, कि जो बुध है, शुक्र है, ये थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करेंगे, पर पूर्ण रूप से ये मंगल शनि की जो सम दृष्टि यानी कि एक दूसरे से सप्तम रहेंगे, इसमें आपको विशेष ध्यान और सावधानी बरतनी होगी। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, नमस्कार। विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 011-2563-8157, 2563-8168। मोबाइल नंबर